नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मेरे सामने खड़ी है बिल्कुल न्यू यूनिकॉर्न, फुली ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलती है। और क्या प्राइस है इसका, ऑन रोड प्राइस क्या है इसका, क्या फ़ीचर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रंट लुक से अगर मैं शुरुआत करूँ यूनिकॉर्न, आप देख सकते हैं आपको हेलोजन बल्ब के ही साथ में आपको गाड़ी देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर मैं वाइज़र की बात करूँ तो फुली आपको ग्लॉसी लुक में ब्लैक कलर में आपको वाइज़र देखने को मिलेगा और होंडा की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे हमें क्रोम का ट्रीटमेंट मिलेगा। जो क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, पूरा वाइज़र से आपको साइड से पूरा आपको वर्क मिलता है क्रोम का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नैरो शेप में आपको पूरा क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें एक शेप मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके फेंडर की, तो फेंडर आप देख सकते हैं फुली ग्लॉसी लुक में हमें देखने को फेंडर मिलता है। तो आप देखेंगे तो लाइट में थोड़ा सा आपको शाइनिंग भी ब्राउन, हल्का सा मुझे लगता है कि ब्राउन शाइन आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करता हूँ इसके व्हील की, तो आप व्हील देख सकते हैं मैट ब्लैक में आपको पूरा व्हील मिलेगा और ट्यूबलेस टायर हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। और टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपको 80x118 इंच का आपको टायर साइज़ देखने को मिल जाता है। और ये हमें डिस्क ब्रेक में मिलती है। फ्रंट जो इसका डिस्क आ जाता है वो आपका 240 mm का डिस्क आ जाता है। और यहाँ पे हमें सिंगल चैनल ABS के साथ में मिलती है। तो ABS आप देख सकते हैं यहाँ पे, और सिंगल चैनल ABS हमें मिलता है। तो आप ब्लैक कलर इसे मैं नहीं बोल सकता, इसमें थोड़ा सा जब आप इसे लाइट में देखेंगे तो आपको ब्लैक एंड हल्का सा डार्क ब्राउन का कॉम्बिनेशन ग्लॉसी लुक में देखने को मिलेगा। तो फेंडर इसका काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि जब इस पर लाइट पड़ेगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप जब भी गाड़ी लेने आए तो आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा। तो आपको जो फेंडर मिलता है वो ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिल जाता है। और फ्रंट सस्पेंशन की मैं अगर बात करूं तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमें देखने को मिल जाते हैं। और इंडिकेटर्स की मैं बात करूँ तो साइड इंडिकेटर्स का भी शेप हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो शेप में ही हमें बल्ब के साथ में इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। तो दोनों इंडिकेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपको नैरो शेप में इंडिकेटर देखने को मिलेंगे जो गाड़ी के लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रंट की हेडलाइट एंड इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं आ जाता हूँ साइड लुक की तरफ, जहाँ इसका टैंक आ जाता है। तो टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 13 लीटर की आपको टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको 3D लुक में बिल्कुल होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं क्रोम के ट्रीटमेंट के साथ और फुली मेटल में हमें टैंक देखने को मिलता है। और टैंक में भी आपको कहीं ना कहीं ब्राउन शेड आपको थोड़ा सा आपको दिखेगा, वो पूरा ग्लॉसी लुक के साथ में हल्का सा ब्राउन शेड भी आपको इसमें देखने को नज़र आता है। और इसका कुछ टैंक कवर ऐसा आपको देखने को मिलता है। और साइड में मैं आ जाता हूँ पैनल की तरफ, तो यहाँ पर आपको फाइबर का ही काम देखने को मिलता है और यहाँ पर क्रोम का ट्रीटमेंट आपको दिख जाएगा। और जो इसमें अभी जो सेंटर में आपको मोनो शॉक आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे मेंशन भी है, तो मोनो सस्पेंशन आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। तो इसका सस्पेंशन मैं आपको दिखा देता हूँ, मोनो शॉक आपको यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल मिलता है। ज़्यादातर आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स बाइक में आपको मोनो शॉक देखने को मिलता है, जिससे काफ़ी झटके वगैरह और गड्ढे वगैरह में हमारी जब बाइक आती है तो हमें महसूस नहीं होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यूनिकॉर्न की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी स्टीकर के साथ में। तो पूरी गाड़ी की अगर मैं कलर की बात करूं तो आपको ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है, जो डार्क ब्राउन का कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलता है लाइटिंग में। जब आप इसे रोशनी में लेके जाएंगे तो हल्का सा इसमें आपको ब्राउन शेड फील होगा। फुली ब्लैक मैं नहीं बोल सकता इसे, क्योंकि जो मुझे लग रहा है, बाकी अपना अपना नज़रिया है, जो मुझे फील हुआ तो ब्राउन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसमें आपको देखने को मिलता है। और मैं आ जाता हूँ पीछे की तरफ, तो रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं, आप रियर टेल लाइट्स आप देखेंगे तो आपको बल्ब के साथ में ही मिलती है। और काफ़ी बड़ा हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, क्योंकि 160 cc में अगर हम कंपैरिजन करेंगे और बाइक से तो 1,50,000 के ऊपर ही जाती हैं, लेकिन आपको ये बहुत कम प्राइस में गाड़ी देखने को मिलती है। तो अगर मैं इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो 1,26,250 रुपये आपको ऑन रोड गाड़ी ये पड़ती है बरेली में। सील किशन होंडा आप आके विज़िट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर गाड़ी देखने को मिल जाएगी। फिर से प्राइस मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं, आप फ्लैश होते स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 1,26,250 रुपये ऑन रोड बाइक ये आपको मिलती है। अब मैं आ जाता हूं साइड प्रोफाइल की तरफ, और यहां पे हमें टैंक पे यहां पे भी और दूसरी तरफ भी होंडा की ब्रांडिंग क्रोम के साथ में देखने को मिलती है। और अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो इंजन आपको वही हॉर्नेट वाला इंजन मिलता है,
162.72 सीसी का आपको इंजन देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो 12.72 bhp की आपको पावर देखने को मिलती है और 14 nm का हमें टॉर्क देखने को मिल जाता है। काफ़ी पावरफुल इंजन है। 160 सीसी का आपको इंजन मिलता है लेकिन 162 सीसी का आपको इंजन देखने को मिलेगा। तो इंजन की आप डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी आपको बल्की और हैवी इंजन देखने को मिलेगा जो गाड़ी के लुक को काफ़ी एनहेंस कर रहा है। मतलब गाड़ी काफ़ी आपको यहाँ पे भरी भरी दिखाई देगी यूनिकॉर्न में। तो आप देख सकते हैं इंजन का शेप, ये काफ़ी आपको अट्रैक्टिव लगेगा जो इंजन में एक सेटअप दे रखा है। और यहाँ पे आपको छोटा सा आप देखेंगे तो होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और ये आ जाता है हमारा बिल्कुल स्टील में, आप देखेंगे तो क्रोम में कह सकते हैं, स्टील में कह सकते हैं, हैवी आपका किक। तो यहाँ पे आपको किक एंड सेल्फ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये आगे हमारा सेल्फ एंड सस्पेंशन वही आ जाएगा आपका। और एग्जॉस्ट की मैं बात करूँ तो एग्जॉस्ट आपका काफ़ी ब्रॉड एग्जॉस्ट आ जाएगा। तो कवर आएगा एग्जॉस्ट का वो मैट ब्लैक में आएगा और काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट हमें देखने को मिलता है। तो डोल कवर आपको यहाँ पे मिलते हैं एग्जॉस्ट में, एक ये कवर आपको मिलता है और एक यहाँ पे ये कवर आपको एग्जॉस्ट में देखने को मिल जाता है। और मैं आ जाता हूँ फुटरेस्ट की तरफ, तो पिलियन के लिए आप फुटरेस्ट देख सकते हैं। तो ये आपका फुटरेस्ट आ जाएगा पिलियन के लिए। और यहाँ आ जाता है हमारा ग्रैब रेल, तो ग्रैब रेल भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। और सीट की मैं बात करूँ तो 798 mm की हमें सीट इसकी देखने को मिल जाती है। तो सीट भी हमें फैमिली के पर्पज़ से बाइक है, फैमिली के पर्पज़ से बाइक है। सीट भी आपको वैसे ही डिज़ाइन मिलती है और टैंक का लुक भी आपको सीट के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। तो सीट मुझे ठीक लगी इसकी। तो आप गाड़ी का लुक देख सकते हैं, एक बार मैं आपको दूर से गाड़ी का लुक दिखा देता हूं। तो आप गाड़ी का लुक और सीट देख सकते हैं इसकी। अब मैं लेके चलता हूं इसके आपको मीटर की तरफ। तो मीटर आपको यहां पे 3 मीटर आपको देखने को, 3 मीटर आपको मिल जाएंगे देखने को, जिसमें हमारा यहां पे एक स्पीडोमीटर आ जाता है। तो आप स्पीडोमीटर देख सकते हैं, यहां पे हमारा फ्यूल का ऑप्शन आ जाता है। और यहां हमारा आप देखेंगे तो आपको RPM आपको देखने को मिल जाएगा। तो तीनों हमें मीटर एनालॉग ही मीटर देखने को मिलते हैं। इसमें सर्विस रिमाइंडर का, टर्न बाय टर्न इंडिकेटर का आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से हम अपने किलोमीटर आप देखेंगे तो सेट कर सकते हैं, यहाँ पे बटन दे रखा है। और यहाँ होंडा की हमें ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और पूरा जो हमें मिलता है वो आप देखेंगे तो स्टील का ही हैंडल आपको देखने को मिल जाता है। तो गाड़ी काफ़ी हैवी हमें मिलती है, ठीक वजन हमें इसका मिल जाता है। वेट की मैं अब अगर इसकी बात करूं तो 140 kg हमें इसका पूरा गाड़ी का जो वेट है वो मिलता है देखने को। और पीछे का टायर जो आपको मिलता है वो आपको काफ़ी चौड़ा मिल जाता है। तो टायर मैं दिखा देता हूँ इसका, तो काफ़ी चौड़ा टायर हमें देखने को मिल जाता है और बाइक के कंपेरिज़न में। तो काफ़ी लोगों के मन में कंफ्यूजन था जो मैंने कमेंट्स देखे जब मैंने 125 SP का वीडियो शूट किया था। तो उन लोगों के मन में क्वेश्चंस यही थे कि सर गाड़ी का टायर जो है वो काफ़ी पतला है, आगे का भी पतला है, पीछे का भी पतला है। तो देखिए कम्यूटर बाइक में आप अगर एवरेज और माइलेज पे थोड़ा ज़्यादा जाना चाहते हैं, जैसे कि हमारी SP125 हो गई हमारी और हमारी लीवो हो गई, तो आपको उसमें टायर थोड़े से पतले ही देखने को मिलेंगे क्योंकि माइलेज हमारा उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे हमारी 160 सीसी की यूनिकॉर्न आ जाती है, तो आप यूनिकॉर्न का मैं आपको पास से टायर दिखा देता हूँ, तो काफ़ी आप देख सकते हैं आपको चौड़ा टायर देखने को मिल जाता है। चलिए मैं टायर साइज़ भी देख लेता हूँ इसका, टायर साइज़ क्या है। और MRF का आपको मैं दिखा देता हूँ, MRF का हमें यहाँ पर टायर देखने को मिलता है। तो आप 190/18 का आपको टायर मिलता है पीछे का। तो आता हूँ तो साइड प्रोफाइल पे हमें यहाँ पे सारी गार्ड देखने को मिल जाता है। तो सारी गार्ड आप देख सकते हैं, तो कुछ लोग ऐसा आता है सारी गार्ड का। और यहाँ से ही हमारी सीट आप देखेंगे तो ओपन हो जाएगी, यहाँ से हम अपनी सीट को ओपन कर सकते हैं। और चैन कवर आप देख सकते हैं, चैन को फुली आपको फाइबर बॉडी में ही चैन कवर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको सेंटर एंड साइड स्टैंड दोनों मिलते हैं और 5-speed ट्रांसमिशन के साथ में आपको बाइक मिलती है ये। तो आप देख सकते हैं इसके आपको 5-speed ट्रांसमिशन के साथ में गाड़ी मिलती है। और यहाँ पे भी हमें होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, तो दोनों तरफ हमें होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और ये हमारा साइड स्टैंड कट ऑफ का भी इसमें सिस्टम देखने को मिलता है। तो गाड़ी आपको यूनिकॉर्न कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं अब इसके माइलेज की बात। तो अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं तो मुझे लगता है 48-50 के समथिंग आपको आराम से इसमें माइलेज देखने को मिल जाएगा।
बाकी हम हाईवे वगैरह पे जाते हैं, राइडिंग हमारी अच्छी है, तो 50 प्लस भी शायद आपको माइलेज इसमें देखने को मिल जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये था हमारा यूनिकॉर्न के ऊपर, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है कोई। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक यू, बाय।